गाइस इस समय इंस्टाग्राम पर कुछ इस प्रकार की रील्स वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं। आप लोग यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं, इन रील्स पर मिलियंस में व्यूज़ गए। यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए एक पेज ओपन कर रखा है जो कि है एनके क्रिएशन 290 करके, एंड इस पर आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 36 पोस्ट के अंदर 58,000 के करीब फॉलोवर्स हो चुके हैं एंड इनकी हर एक रील्स मिलियंस में जाती हैं। तो कैसे आप लोग भी इन रील्स को एडिट कर सकते हैं जस्ट वन क्लिक के अंदर, आज इस वाली वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो आज की इस वाली वीडियो को ऐड करने के लिए हमारे फ़ोन में दो एप्लीकेशन इंस्टॉल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहली है बी एन एंड सेकेंड एप्लीकेशन हमारी होने वाली है पिक्सल लैब, ठीक है। तो ये दोनों एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल कर लेना एंड थर्ड काम आपका रहने वाला है कि आप लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना क्योंकि टेलीग्राम पर मैं आप लोग को जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा वो सब प्रोवाइड करा दूँगा। अब गाइस सबसे पहले आप लोग को अपने फ़ोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड यहाँ पर कैंसिल कर देना। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम इमेज साइज को सेलेक्ट करेंगे, तो थ्री डॉट पर आप लोग को क्लिक करना है। अब यहाँ पर इमेज साइज वाले ऑप्शन पर आ जाना है एंड ये विड्थ वाला दिख रहा है आपको, इसको आप लोग को 720 कर देना है, देन ओके कर देना है। यहाँ पर इमेज का साइज जो है चेंज हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस इमेज का ही कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, तो स्क्रीन का कलर ब्लैक करने के लिए सबसे पहले आप लोग आ जाना फोर्थ वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर आप लोग कलर पर क्लिक करके यहाँ से ब्लैक स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेना, देन राइट क्लिक कर देना। अब यहाँ पर हम लोग को एक इमेज को ऐड करना होगा जो कि आप लोग को मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर, तो यहाँ से हम लोग वो इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ से आप लोग इस इमेज की ना साइज को अपने अकॉर्डिंग कर लेना, जितना भी आप लोग रखना चाहते हो। एंड गाइस आप लोग टेलीग्राम से लेंगे तो आपको ये ब्लैक स्क्रीन मिलेगी, चाहो तो आप लोग इसका ना बैकग्राउंड रिमूव कर लेना। आप लोग क्रोम पे जाना एंड उस पर लिख लेना वीजी रिमूवर, तो वहाँ पर भी आप लोग ये देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमें यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको सेट करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग को टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोग को अपना नाम लिख लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, देन ओके कर देना है। अब गाइस यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, देन ए वाले ऑप्शन पर आना है। अब यहाँ पर आप लोग चले जाएंगे फॉन्ट वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर ए बी करके फॉन्ट दे रखा है एंड यहाँ पर आप लोग को बहुत से फॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग मैं कहूँगा यहीं से सेलेक्ट कर लेना कोई भी एक फॉन्ट, या फिर आप लोग चाहें तो माई फॉन्ट से ही बहुत सारे फॉन्ट ऐड कर लेना जो कि आप लोग को मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते ही रहता हूँ। कुछ इस प्रकार से मैंने एक फॉन्ट को ऐड कर लिया है। यहाँ से हम लोग इसके साइज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, साइज वाले ऑप्शन पर जाएंगे एंड यहाँ से हम लोग इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। इतना मैंने यहाँ पर रख लिया है, देन राइट क्लिक करेंगे। अब इसके बाद गाइस यहाँ से हम लोग इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे, जैसे कि हम लोग चले जाते हैं इसमें, अब बैकग्राउंड में जो शैडो है इसको ऑन कर देंगे, इसको यहाँ से हम लोग ऑन कर देते हैं एंड इसको आप लोग जो से भी रंग की रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, जैसे लाल हो गया, ब्लैक हो गया, तो यहाँ पर मैं ब्लैक को रख लेता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ से स्ट्रोक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी इनेबल कर देना एंड ब्लैक वाले को ऑन करना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक और टेक्स्ट को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग डबल टैप करते हैं टेक्स्ट पर। अब यहाँ पर आप लोग दो तीन इमोजीज को ऐड कर लेना जो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगें, जैसे कि कुछ मैं इस प्रकार की इमोजी रख ले रहा हूँ, देन ओके कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ से आप पहले तो आप लोग इसमें भी वही सेम चीज़ करनी है, आप लोग को स्ट्रोक को ऑन कर लेना है एंड शैडो को भी ऑन कर लेना है। यहाँ पर याद रखें ना कि ये सब चीज़ें आप लोग की ब्लैक होनी चाहिए जिससे कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। एंड इसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग चाहो तो इसके साइज़ को थोड़ा सा यहाँ पर कम कर लेना या फिर बढ़ाना चाहते हो, जैसा भी आप लोग को ठीक लगे आप लोग उस अकॉर्डिंग कर लेना। एंड इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर कुछ फिट, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा एडजस्ट हो चुका है। अब इसके बाद गाइस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपनी इमेज को एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर आप लोग को एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड सेव टू गैलरी पर आपको क्लिक कर देना। अब इसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोग को VN एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ओपन करना है एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप लोग को प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, देन न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोग को एक ब्लैक इमेज को सेलेक्ट करना है जो कि मैं आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर लिया। एंड सबसे पहले हम लोग यहाँ पर BN के लोगो को डिलीट करेंगे एंड इसकी लेंथ को आप लोग ना करीब 6 से 7 सेकेंड तक रख लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पर रख लिए। अब गाइज यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपने जो इसका फ्रेम रेट है इसको 9:16 कर लेंगे एंड अगर इसमें कोई टाइटल वाइटल हो तो इसको आप लोग जूम करके थोड़ा सा हटा देना, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब देख सकते हैं हमारी ब्लैक स्क्रीन सही से ऐड हो चुकी है। अब गाइज यहाँ पर आप लोग को PIP वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर जाना है, वीडियो फोटोज़ पर जाना है और अभी जो हमने फोटो एडिट करा था पिक्सल लैब से उस वाले फोटो को सेलेक्ट करना है, देन इसके साइज को यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है। ये हमारा अब आ चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एंड इसको आप लोग कर देना है बिल्कुल एंड तक, जहाँ तक हमारी ब्लैक स्क्रीन है।
अब गाइस यहाँ पर आप लोग क्या करना है, अपने जो अभी हमने पिक्सल लैब से फोटो एडिट किया था उस वाली लेयर पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर अब आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मस्क करके, इस वाले ऑप्शन पर आना है एंड मिरर वाले ऑप्शन पर चले जाना है। अब यहाँ पर आप लोग इसको थोड़ा सा इस प्रकार से दोनों उंगलियों की सहायता से पास में लाना एंड जो एरो दिख रहा है आप लोग को डबल वाला, इसकी सहायता से आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। ये मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ तो यार आप लोग को पता ही होगा कैसे करना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग की फ्रेम ऐड करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ही आप लोग को एक की फ्रेम ऐड कर देनी है। देन इसके बाद यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेना करीबन एक सेकेंड के, मतलब 1.5 सेकेंड तक, ठीक है। इसको हम लोग ले आते हैं, देन यहाँ पर हम लोग ले आएंगे इसको एंड थोड़ा सा आगे ले जाने पर हम लोग इसको पूरा ओपन कर देंगे, देन राइट क्लिक कर देना है। अब तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा इफेक्ट आ जाएगा बिल्कुल। अब गाइस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से पी आई पी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वीडियो फोटोज़ पे जाएंगे एंड एक वीडियो आप लोग को मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा, इस वाली वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। एंड अब इस वाली वीडियो को ऐड करने के बाद यहाँ पर आप लोग को ब्लेंड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से हम लोग अपने इफेक्ट को थोड़ा सा जूम कर लेंगे, जिसकी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग एक बार इफेक्ट अपना देख लेना जूम करके कैसा आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो इफेक्ट है वो कुछ यहाँ से स्टार्ट है एंड इसके पीछे वाला भाग मुझे थोड़ा हटा देना, तो मैं यहाँ तक इसको ट्रिम करूँगा एंड इसको उठा के हम लोग आगे की ओर ले आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा इफेक्ट भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग की रील्स बन के तैयार हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से आप लोग जो भी ट्रेंडिंग ऑडियो को ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, चाहो तो एक्सट्रैक्ट कर लेना या फिर आप लोग की गैलरी में सेव हो तो म्यूजिक वहाँ से यूज़ कर लेना। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आई होप आज की वाली वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।